दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन ना हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए ना जाने पर भड़के बांग्लादेश के दिग्गज, भारतीय टीम के खिलाफ जहर उगलते हुए दे दिया खून खौला देने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारतीय टीम ने जाने से कर दिया है साफ साफ मना, जिसके बाद अब बांग्लादेश के दिग्गज भारतीय टीम के खिलाफ आ चुके हैं। इस बीच मुस्तफिजुर रहमान, शाकिब अल हसन से लेकर मुशफिकुर रहीम और तमीम इकबाल ने भारतीय टीम के मंसूबों पर पानी फेरते हुए एक ऐसा भड़काऊ बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिर बांग्लादेश के दिग्गजों ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान को मेजबानी का अधिकार दिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान की धरती पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन फरवरी और मार्च के महीने में होने वाला है, जिसमें 8 टीम हिस्सा लेती हुई दिखाई देने वाली है। लेकिन इस बीच चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही बड़ा विवाद हो गया है, जहां पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से तो मना कर दिया है कि हम वहां नहीं जाएंगे, और इसके पीछे की वजह सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार की मंजूरी ना देना है। ऐसे में भारत के पाकिस्तान न आने पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया है और भारत को धमकाते हुए भड़काऊ बयान दे दिया, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं जाने वाली है। इस खबर को सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई है, क्योंकि जब दुनिया की तमाम टीम चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट खेलने के लिए पाकिस्तान में जा सकती हैं, तो भारतीय टीम को पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की हमेशा से आदत रही है कि वो पाकिस्तान की टीम को किसी भी फील्ड में नीचा दिखाए। अगर आतंकवाद की घटना पाकिस्तान की तरफ से होती है तो भारतीय सरजमी पर भी इस तरीके की हरकतें होती हैं। ऐसे में सिर्फ पाकिस्तान को सुरक्षा के नजरिए से एक सुरक्षित देश घोषित नहीं कर सकते। ऐसे में भारत के पाकिस्तान न जाने का मैं पूरा विरोध करता हूं। तो वहीं तमीम इकबाल ने बयान देते हुए कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए हर किसी देश ने अपनी मौजूदगी पेश की है, लेकिन भारतीय टीम पता नहीं क्यों पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं जा रही है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में किसी भी देश को खेलने में फिलहाल की स्थिति में परेशानी होगी। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि एक समय पर पाकिस्तान में आतंकवाद काफी तेजी से फैल रहा था और साल 2003 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका की टीम इसका शिकार बन गई थी, लेकिन उसके बाद से जब दोबारा वहां पर क्रिकेट शुरू हुआ तो कोई भी ऐसी घटना देखने को नहीं मिली है। ऐसे में वहां पर सुरक्षा बड़ा मुद्दा नहीं है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी बांग्लादेश की टीम तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जाएगी। तो वहीं पे दोस्तों, मुशफिकुर रहीम ने बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान की धरती पर चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होने वाला है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि पाकिस्तान पिछली बार डिफेंडिंग चैंपियन बना था और पाकिस्तान को मेजबानी करने का अधिकार मिला था। ऐसे में अगर पाकिस्तान में खेलने के लिए भारतीय टीम नहीं जाती है तो ये ICC के नियमों का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में कोई भी टूर्नामेंट होता है तो भारत उससे दूरी बनाता है, बल्कि असलियत में भारत को पाकिस्तान में जाने से कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वो हमेशा पाकिस्तान की टीम को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, और यही कारण है कि अब इस बार भी पाकिस्तान में भारतीय टीम खेलने के लिए नहीं आ रही है। तो वहीं पे साहिब अल हसन ने बयान देते हुए कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में होने वाला है। पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों को पता है कि पाकिस्तान के हालात इस समय कितने ज्यादा बेहतरीन है। ऐसे में पाकिस्तान में किसी भी टीम को सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और यही कारण है कि हमारी बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आना चाहिए, क्योंकि भारत में पाकिस्तान की टीम भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई थी। जैसे वहां पाकिस्तान को बेहतर सुरक्षा मिली थी, उसी तरीके से पाकिस्तान की धरती पर भी भारत को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। ऐसे में ये ड्रामा बंद होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हो पाएगा या फिर नहीं? अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में टी20 के सरताज रिंकू सिंह ने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई जिसके सामने लंका तो रहम की भीख मांगने लायक भी नहीं रह गई। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से रिंकू बन गए श्रीलंका के लिए यमराज? कितनी गेंद में रिंकू ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे रिंकू बने दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज के पहले ही मैच में टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी। लंका को लगा कि वो इस मैच में भारत को पटखनी दे सकते हैं, लेकिन लंका की टीम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रिंकू सिंह मैदान में आते ही पूरे मैच की दशा दिशा ही पलट कर रख देंगे। जी हाँ, पल्लिकल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें सबसे रोमांचक पहले टी20 मैच के लिए तैयार थी। इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरे भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमने एक के बाद एक 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही आउट ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त रिंकू सिंह ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर रिंकू की मुरीद हो गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जज्बे पर रिंकू का जिगरा भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। अब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज रिंकू तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए दुश्मन तक चमीरा की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। दर्शकों में रिंकू में एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी क्योंकि रिंकू सिंह का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने टी20 को टी10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। महज 22 गेंद पर अपना एक और बेमिसाल टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल रिंकू रिंकू ही सुनाई दे रहा था। लंका के कप्तान वारिंदु हसरंगा उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो रिंकू को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन रिंकू इस मैच में नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब रिंकू का बल्ला गरजा तो उनके सामने लंका थरथर कांप उठी। रिंकू टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। चमीरा से लेकर सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए रिंकू सिंह अपने शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका लंका के पास आया। हसरंगा की गेंद पर रिंकू ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी, ऐसा लगा कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उनके साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। रिंकू का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए रिंकू सिंह ने गेंदबाज की अगली ही गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने मथीशा पथिराना के ओवर में, जिनके खिलाफ एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वो 98 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 2 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 2 रन दौड़कर सेंचुरी पूरा कर लेंगे, लेकिन रिंकू ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में ही उन्होंने पथिराना के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का रिंकू ने ठोका जिसमें गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी। और इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, केवल 45 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर रिंकू ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तेमाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, टी20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से रिंकू सिंह ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लगभग लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 10 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ रिंकू ने भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि रिंकू ने तो श्रीलंका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपना डंका बजा दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जिम्बाब्वे के बाद भारत श्रीलंका की बचाएगी डंका या फिर श्रीलंका की टीम पलटवार कर रचेगी इतिहास? जी हाँ दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे की सीरीज के बाद अब भारत और श्रीलंका की सीरीज की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो आखिरकार भारत और श्रीलंका के बीच में मैच कब और कहाँ पर होगा, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस मैच से संबंधित आंकड़े, पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और दोनों टीमों
टीमों की प्लेइंग 11, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम श्रीलंका को सीरीज में हरा पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप के समाप्त होने के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। ऐसे में अब भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज भी खेली थी, जिसमें भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 4-1 के बड़े अंतर से इस सीरीज में हरा दिया था। ऐसे में भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज खेलनी है, जिसके लिए दोनों टीम पूरी तरीके से तैयारी में लग चुकी है। तो आइए सीरीज के पहले मैच के बारे में अब विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच मैच के हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच 29 मैच खेले गए हैं।